दोस्तों, तीन ग्रहों की युति के फल कथन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का आज छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम जिन तीन ग्रहों की चर्चा करेंगे वो तीन ग्रह हैं सूर्य, मंगल और बुध। बिल्कुल सही सुना आपने, सूर्य, मंगल और बुध। जब किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में ये तीन प्लैनेट्स एक साथ हों, सूर्य, मंगल और बुध, या इन तीन ग्रहों की युति हो, या यूँ कहिए कि जन्मकालीन समय, यानी जब उस जातक या उस व्यक्ति का जन्म होता है तो उस जन्म के समय ये तीनों ग्रह किसी एक राशि में संचरण कर रहे हों, सूर्य, मंगल और बुध अगर तीनों एक ही राशि में गोचर में संचरण कर रहे हों, तो जब उस व्यक्ति की कुंडली निर्मित होगी, कुंडली बनेगी, तो किसी न किसी भाव में, लग्न के हिसाब से जो भाव बनेगा, उस भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति होगी। और ऐसी सूरत में, ऐसी स्थिति में जब इन तीन ग्रहों की युति होती है तो उस व्यक्ति के फलकथन के मामले में क्या कहा जा सकता है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध की युति हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही कठोर विचार वाला होता, मन से बड़ा ही कठोर होता है, मन से और तन से, शरीर से भी बड़ा ही कठोर होता है, यानी वो शरीर से मजबूत होता है और मन से भी वो कमजोर नहीं होता है, कठोर मन का व्यक्ति होता है। लेकिन साथ ही साथ वो व्यक्ति चित्तवृत्ति वाला भी होता है, यानी उस व्यक्ति की जो वृत्ति होती है वो अपने चित्त के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से चलने वाली होती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पराक्रम के मामले में बहुत प्रसिद्धि पाने वाला व्यक्ति होता है, यानी पराक्रमशाली व्यक्ति होता है। पराक्रम की सूरत में उस व्यक्ति को समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। और साहस के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत ही बहादुर होता है, बहुत ही शूरवीर व्यक्ति होता है, बहुत ही साहसी व्यक्ति होता है। लेकिन एक बुराई उसमें भी है कि अगर सूर्य, मंगल और बुध की युति हो तो ऐसा व्यक्ति आचरण के मामले में निर्लज्ज होता है, उसे लज्जा नहीं आती है, ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज व्यक्ति होता है। और पैसों के मामले में ऐसा व्यक्ति धनी व्यक्ति होगा, उसे सभी तरह के सुख मिलेंगे, स्त्री का, पुत्र का, मित्र का, और भी दूसरे जो सांसारिक सुख या ग्रस्त सुख होते हैं, मकान के या और भी अन्य सुख होते हैं, वाहन इत्यादि, वो सारे सुखों से संपन्न व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध की युति हो। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी और को सलाह देने में बड़ा चतुर होता है। अगर किसी विषय पर, किसी बिंदु पर, किसी बात पर कोई सलाह देनी हो किसी व्यक्ति को या किसी समूह को, तो ऐसे व्यक्ति की सलाह को मान्यता भी मिलती है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति सलाह देने में चतुर भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन कर दूं कि हम लोग जो ग्रहों की युति का जो प्रेडिक्शन देखते आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो जान रहे हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी तीन ग्रहों की युति का फलकथन या किन्हीं दो ग्रहों की युति का फलकथन, या आगे की सीरीज में हम लोग चार ग्रहों की युति का फलकथन, फिर उसके बाद पांच ग्रहों की युति, फिर उसके बाद छह ग्रहों की और आखिर में सात ग्रहों की युति का जो फलकथन पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि एक ही मामले में किसी जातक या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं और कुछ बातें अच्छी नहीं भी हैं। तो मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि अगर आप व्यवहारिक रूप से भी किसी व्यक्ति के बारे में देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में गुणों के मामले में संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है, उसमें भी किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत अवगुण जरूर होते हैं। या कोई अगर पूरी तरह से अवगुण वाला व्यक्ति है तो ऐसा भी नहीं है कि उसमें सारे के सारे अवगुण ही हों, उसमें कोई गुण नहीं होते हैं। बिल्कुल उसमें भी गुण होते हैं, वो भी गुणवान व्यक्ति होता है जिसमें बहुत सारे अवगुण हों, बहुत सारे दोष हों। तो ये मिश्रित जो फल होता है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छे प्रेडिक्शन के बारे में बताता है तो कुछ दोष वाले प्रेडिक्शन के बारे में बताता है, जो पूरी तरह से लागू होते हैं उस व्यक्ति के। क्योंकि यहाँ हमने यहाँ चर्चा की थी सूर्य, मंगल और बुध की, तो आप देखेंगे कि जो सूर्य और बुध है ये बुधादित्य योग बन रहे हैं तो उस व्यक्ति के मामले में अच्छी बातें आएगी निकल करके। लेकिन जहाँ सूर्य, मंगल और बुध में, अगर मंगल थोड़ा सा गर्म ग्रह आ गया तो उस व्यक्ति के मामले में जो प्रेडिक्शन की जो अच्छाइयाँ थी, जो उसके सद्गुण थे, उसमें कुछ हद तक दोष भी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब हो गया कि हर व्यक्ति की कुंडली में जब गोचर में कोई भी प्लेनेट संचरण कर रहे हों तो उसकी युति का अगर हम फल कथन करेंगे तो डिपेंड करेगा इस बात पर कि जो प्लेनेट्स हैं, अगर सारे के सारे शुभ प्लेनेट्स हैं तो ऐसी हालत में सारे के सारे जो फल कथन होंगे वो शुभता लिए हुए होंगे,
अच्छे प्रेडिक्शंस होंगे, और अगर उसमें कोई एक भी प्लेनेट्स ऐसा है जिसका रिजल्ट हमेशा नकारात्मक रहता है तो वहाँ कुछ हद तक आपको मिश्रित फलकथन मिलेगा। अच्छे या शुभ फलकथन के साथ साथ में अवगुण वाले या दोष वाले भी आपको उस फलकथन देखने को या सुनने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं किन्हीं तीन और प्लैनेट्स को लेकर के, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर वो तीनों प्लैनेट्स किसी व्यक्ति या जातक की कुंडली में जन्म के समय किसी एक भाव में स्थित हों या उनकी युति हो तो उसका क्या फलकथन होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।